हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपका लेट्स स्कोर 100 में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पावर शेयरिंग की नीड एंड सिग्निफिकेंस क्या है उसको हम पढ़ने वाले हैं, और हमारे बुक में ये जो हेडिंग है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि बेसिकली ये पावर शेयरिंग वाले चैप्टर को हम लोगों को दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। एक है यूरोप की कंट्री बेल्जियम, जिसकी कैपिटल है ब्रसेल्स, एंड दूसरा है साउथ एशिया की कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका में जैसा कि आप लोग जानते हैं, पावर नहीं शेयर किया गया, जिसका रिजल्ट क्या निकला? सिविल वॉर। एंड बेल्जियम ने जो मॉडल एडॉप्ट किया उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, और यही एक रीज़न है कि हमें बेल्जियम को पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर में। उन्होंने डाइवर्सिटी को जिस ब्यूटीफुल तरीके से एड्रेस किया, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का, एंड पीसफुली डिफरेंट कम्युनिटीज़ को साथ में लाने का और साथ में रहने का, राइट? सो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो बेसिकली डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग डिजायरेबल होता है क्योंकि डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग को बहुत वैल्यू करती है। देर आर टू रीजंस। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, व्हाट इज द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसीज, या ये सेम एज इट इज आ सकता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सो देर आर टू रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल एंड सेकेंड रीजन इज मॉरल। प्रूडेंशियल रीजन क्या बोलता है कि पावर शेयर क्यों की जानी चाहिए? प्रूडेंशियल रीजन में ये माना जाता है कि पावर शेयर इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि पावर शेयर करने के ढेर सारे फायदे होते हैं, राइट? बेसिकली प्रूडेंशियल रीजन में कैलकुलेशन किया जाता है कि क्या गेंस होंगे, क्या लॉसेस होंगे। अगर पावर शेयर किया गया जैसा कि बेल्जियम में किया गया, क्या क्या गेंस होंगे? अगर पावर नहीं शेयर किया जाएगा तो क्या क्या लॉसेस होंगे? लॉसेस में श्रीलंका का एग्जांपल हम देख सकते हैं, और गेंस में हम बेल्जियम का एग्जांपल देख सकते हैं। एक बार ये डिटेल में देखते हैं। सो बेसिकली प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स बेसिकली प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस और विजडम, राइट? और ये प्रूडेंस या विजडम पे बेस्ड है, और केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेंस एंड लॉसेस। बेसिकली ये देखा जाता है प्रूडेंशियल रीजन में कि अगर हम पावर को जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं पर्टिकुलर कंट्री में, अगर पावर शेयर किया गया तो क्या क्या फायदे होंगे, और नहीं शेयर किया गया तो क्या क्या लॉसेस या नुकसान होंगे। बेसिकली नुकसान क्या होता है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री होता है, एंड अल्टीमेटली ये कंट्री की यूनिटी को वीकन करता है, और जिससे कंट्री कई बार डिसइंटीग्रेट हो जाती है, राइट? नेक्स्ट, प्रूडेंशियल रीजन का ये मानना है कि अगर पावर शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप इन अ कंट्री, तो इट ब्रिंग्स आउट बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर आउटकम्स, राइट? दूसरा हम लोग देखते हैं मॉरल रीजन क्या कहता है पावर शेयरिंग के बारे में। मॉरल रीजन ये कहता है कि द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, राइट? सो आइए प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन जो पावर शेयरिंग के हैं उनको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप किसी जरूरी काम की वजह से या इल हेल्थ की वजह से अपना क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, देन नेक्स्ट डे यू गो टू स्कूल एंड टर्न टू योर फ्रेंड कि यार अपना नोट्स दे दे भाई, कल मैं स्कूल नहीं आ पाया था, राइट? तो आपका जो दोस्त है वो दो रीजन से आपकी मदद कर सकता है कि यार चल ये कल नहीं आया था, तो हो सकता है कुछ कभी मैं भी स्कूल में एबसेंट हूँ, तो इसको मैं नोट्स दे ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आज इसे नहीं दूंगा तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं एबसेंट होऊंगा तो ये नहीं देगा। तो क्या हो गया? हियर वी आर कैलकुलेटिंग गेंस एंड लॉसेस। तो अगर दिमाग में इस बात को रख करके अगर आपने अपने फ्रेंड को नोट्स दिया तो क्या हुआ? ये प्रूडेंशियल रीजन कहलाएगा। और मॉरल रीजन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? आपने ये नहीं सोचा कि
फ्यूचर में मेरा फ्रेंड मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, या मेरा जो क्लासमेट है वो मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, आपने केवल इसलिए उसकी मदद कर दी, उसको नोट्स दे दिया कि हमारी सोसाइटी माना जाता है कि यार लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की हेल्प करना निडी, लोगों की हेल्प करना एक अच्छी बात होती है। सिंपल, अगर इस दिमाग इस बात को दिमाग में रख करके आपने उसको नोट्स दे दिया या उसकी हेल्प कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, मॉरल रीज़न होगा। तो इस एग्जांपल से आई हो आप लोगों को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये एग्जांपल, राइट। तो बेसिकली पावर शेयर का हम लोगों ने दो एग्जांपल, बेसिकली दो रीजंस देखा, प्रूडेंशियल एंड मॉरल, राइट। अब इसमें एक जब अगर फोर मार्कर या थ्री मार्कर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा, व्हाट इज द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, तो आप लोग बेसिकली प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन दोनों को मेंशन करेंगे और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है, किस चीज पे बेस्ड है, एंड मॉरल रीजन किस लॉजिक पे बेस्ड है। तो बेसिकली मॉरल रीजन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मॉरल रीजन एम्फसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल। मॉरल रीजन में पावर शेयरिंग को वैल्यूएबल माना जाता है। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। इस पे टू या थ्री मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन और डिस्कस द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, राइट। तो इसमें अगर टू मार्क्स में आता है तो आप लोग थ्री पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर फोर मार्क्स में आता है तो आप लोग फोर पॉइंट्स में लिखेंगे, क्योंकि ये फाइव मार्कर में आएगा तो प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन दोनों लिखना पड़ेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली प्रूडेंशियल रीजन फर्स्ट। तो प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, तो देर आर फोर पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज प्रूडेंशियल रीजन सेज इफ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज इन अ कंट्री देन इट हेल्प्स अस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद इन सोशल ग्रुप्स। आइए देखते हैं। सो पावर शेयरिंग इज गुड अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रीजंस। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब हम लोग श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं। श्रीलंका में सोशल ग्रुप्स कौन से थे? मेजोरिटी में थे सिन्हाला स्पीकर्स एंड माइनॉरिटी में थे तमिल स्पीकर्स, राइट। श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया गया, मेजोरिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एज सुन एज श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, उन्होंने थ्री वेरी यू नो फेमस स्टेप्स लिए थे, जिसको कि जिस पे भी थ्री मार्कर बनता है, हम लोगों ने पढ़ा, जिसको हम लोगों ने पी पोलर के एग्जाम्पल से या पी पोलर के ट्रिक से हम लोगों ने आंसर लर्न किया था। आप लोग यू नो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, विच इज़ अबाउट मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, राइट। तो श्रीलंका में पावर शेयर नहीं करी गई, क्या हुआ, अमंग बिटवीन टू मेजर सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू सिविल वॉर। अब बेल्जियम में क्या हुआ, पावर शेयर करी गई, एंड आज देखिए बेल्जियम में जब यूरोपियन यूनियन का जब हेडक्वार्टर बनना हुआ तो यूरोप के सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया कि भाई यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम में बनाते हैं, क्योंकि बहुत एक बहुत ही यूनिक स्टेप लिया था बेल्जियम वालों ने डाइवर्सिटी को एड्रेस करने का, राइट। सो फर्स्ट ये हो गया कि अगर पावर शेयर की जाती है तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स। नाउ दूसरा फायदा क्या होता है अगर पावर शेयर किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रीजन, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जाहिर सी बात है कि वहां पे सिविल वॉर हुआ तो वायलेंस भी हुआ होगा। अब जब वायलेंस हैपेंस व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस पॉलिटिकल ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर हैज फेल्ड। सो जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है इट लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इन सोशल ग्रुप्स इफ विद इन अ कंट्री।
सोशल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स, इट लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट। अब इससे बचना है तो प्रूडेंशियल रीजन का कहना है कि भाई पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्डर, राइट। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रीजन, थर्ड रीजन क्या है पावर शेयरिंग का, थर्ड रीजन है पावर शेयरिंग का इंपोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, ओवर द अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट undermines the unity of the nation. कैसे? जब किसी कंट्री में टू मेजर ग्रुप्स फाइट करेंगे तो कंट्री की यूनिटी क्या हो गई? स्ट्रांग हो रही है? नॉट एट ऑल। कंट्री की यूनिटी वीक हो जाती। क्यों? इसका एक रीजन और है, क्योंकि जो माइनॉरिटी में सोशल ग्रुप है वो ट्रबल किया जा रहा है मेजोरिटी सोशल ग्रुप के द्वारा। अब माइनॉरिटी सोशल ग्रुप को जो आउटसाइड पावर्स हैं वो हेल्प करने के लिए आ जाती हैं, यानी विद इन कंट्री जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है आउटसाइड पावर्स का। कहने का मतलब बाहर की कंट्रीज टांग अड़ाना शुरू कर देती हैं इनटू इंटरनल मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। तो क्या हो गया, इससे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की यूनिटी वीकन होती है और वो देश कमजोर होता है। तो थर्ड रीजन हमने देखा कि इट अगर कोई कंट्री अपनी यूनिटी को बनाए रखना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए, पावर शेयर करना चाहिए, जैसा कि बेल्जियम के लोगों ने किया। नाउ व्हाट इज द फोर्थ रीजन अकॉर्डिंग टू प्रोडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? फोर्थ रीजन इज टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। अगर हम लोग समझें, जब श्रीलंका में सिविल वॉर हुई तो क्या उसमें सिविल वॉर में केवल तमिल्स ही किल हुए या तमिल्स का ही लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी हुआ? नॉट एट ऑल। सिविल वॉर में हाँ ये हो सकता है कि जो माइनॉरिटी हो उसका ज़्यादा लॉस हो, बट मेजोरिटी का भी लॉस होता है। मेजोरिटी सोशल ग्रुप के भी लोगों की लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। अल्टीमेटली जब कंट्री ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, डिस्टर्बेंस तो दोनों सोशल ग्रुप्स को होगी एंड उसका असर दोनों सोशल ग्रुप्स पे होगा, राइट। सो बेसिकली हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग हम लोगों ने फोर रीजंस देखे कि पावर क्यों शेयर करी जानी चाहिए। पहला रीजन हम लोगों ने देखा कि अगर पावर शेयर करी जाती है तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, यूनिटी कंट्री की अंडरमाइन नहीं होती, यानी यूनिटी मेंटेन रहती है। और फोर्थ रीजन हम लोगों ने देखा कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेजोरिटी कम्युनिटी को भी हार्मफुल इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने ये फोर रीजंस समझ लिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड उसमें हम लोग ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग का जो मॉरल रीजंस हैं, तो मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग आर फोर। तो पावर शेयरिंग के फोर मॉरल रीजंस कौन कौन से, और इस पे भी ना 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस और एक्सप्लेन द मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, आइए देखते हैं। सो नंबर वन पॉइंट ये रहा हमारा मॉरल रीजंस। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज एज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फिलॉसफी ही होती है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ पावर शेयरिंग अमंग पीपल, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही बोलता है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। सो डेमोक्रेसी वैल्यूज पावर शेयरिंग, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मॉरल रीजन। दूसरा देखते हैं, अ डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। अब इलेक्शन होते हैं,
हम लोग इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजते हैं, और ये हम लोगों के बिहाफ पे लॉज बनते हैं। तो जो भी लॉज बनेंगे उन लॉज को हम लोगों पे ही यानी सिटीजन्स पे ही तो अप्लाई किया जाता है, राइट। तो अब डेमोक्रेसी में बेसिकली लार्ज कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे हम लोग हमारी कंट्री में या जितने भी लार्ज कंट्रीज हैं उसमें हर पर्सन टू पर्सन जा करके यू नो गवर्नमेंट तो पूछ नहीं सकते ना हम किस तरह के लॉज बनाएं। तो इसलिए क्या होता है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने मैनिफेस्टोज इशू करती हैं एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन और बिफोर द इलेक्शन कि भाई इफ यू जनता से बोलती हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स बोलती हैं कि अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हम ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करेंगे। तो जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हमें मैनिफेस्टो पसंद आता है या डेवलपमेंटल प्रोग्राम पसंद आता है, हम उस पर्टिकुलर पार्टी या जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से हम एग्री करते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी हमें पसंद होती है, हम उनको वोट करते हैं। तो इस तरीके से जो ऑर्डिनरी पीपल है वो डिसीजन मेकिंग को यू नो यूज करता है वोट के थ्रू। सो अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, राइट। क्योंकि कंट्री में कोई भी लॉ बनेगा तो फाइनली अप्लीकेबल तो सारे लोगों पर होगा ना, तो पीपल मस्ट बी कंसल्टेड। अब ये कंसल्टेशन कैसे होता है, हम जिस पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टोज या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हमें पसंद आते हैं हम उसको वोट करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, थर्ड टॉक्स अबाउट पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। तो अब लोग कैसे कंसल्ट करेंगे, लोग अपने वोट के थ्रू अपनी विशेष को जाहिर करते हैं कि भाई हमें किस टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ यू नो अरेंजमेंट चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हमें चाहिए, डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। नाउ फोर्थ रीजन अकॉर्डिंग टू मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। जाहिर सी बात है कि किसी भी कंट्री के सारे लोगों को मिनिस्टर तो बनाया नहीं जा सकता, राइट। तो इसीलिए यू नो वोट की अरेंजमेंट करी गई है कि लोग अपने वोट के थ्रू डिसाइड करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ यू नो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दे प्रेफर, ठीक है। तो ये वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पावर शेयरिंग की नीड एंड सिग्निफिकेंस क्या है इस टॉपिक को हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।